पानी वाला ये मंदिर है, एक ही बचा है बोलते हैं। अच्छा ऐसा वाला एक ही है, आपको तीन रास्ता मिलेगा। हाँ बीच बीच से रास्ते पे जाओ, वाटरफॉल जाता है यार। डर भी लग रहा है, थोड़ी सी हॉरर प्लेस है यार, अकेले मत आओ, हो सकता है आपको चकवा भी हो जाए। ऐसी बातें मत करें मेरे भाई, डर लगता है। देखो बहुत थक गया यार, एक गलती किया होगा खाई में, इतने बड़े जंगल में सिर्फ अकेला मैं हूँ। शायद पहुँच गए, अरे पहुँच गए मेरा पुत्र पहुँच गया। ये देखो क्या व्यू है बॉस, वाओ। मेरे पीछे एक सर है, शायद यहाँ के लोकल हैं, जाकर उनसे बात करते हैं, थोड़ा सा उनको हिस्ट्री पूछते हैं जगह की। मुझे तो इतना खास पता नहीं है, लेकिन उनको शायद पता है उसी जगह का। आपको किसी ने बोला ऐसा बोल सकता है? नहीं ऐसा क्या है, मैं आया हूँ अंजुना से। हाँ। दूर से आया, बहुत पहली बार आया मैं इधर। कैसा लगा आपको मंजू? अच्छा है, अच्छा काफी अच्छा लगा। ये पानी वाला चाहिए ना? पानी वाला, पानी वाला, पानी वाला। ये मंदिर है, एक ही बचा है बोलते हैं। एक ही नहीं, ऐसा वाला एक ही है गोवा में। अच्छा ऐसा वाला एक ही है। बाकी मतलब वो तोड़ दिए ना, वो जो पुर्तगाली लोगों ने तोड़ दिए है। तो इसने तोड़ा, वो बहुत पुराना है। हाँ पुराना है। यहाँ से अपना वाटरफॉल कहाँ जाना पड़ेगा? ऐसा यहाँ से देखो, टिकट निकालना पड़ेगा। टिकट निकाल लिया है मैंने। नहीं नहीं यहाँ निकाल लेगा। नहीं नहीं वो वहीं पर निकाल दिया मैंने, आगे मैंने चेक पोस्ट। आप हो ना इधर, गेट पे निकाला है। हाँ है मेरे पास। कहाँ से जाना पड़ेगा? यहाँ से। वो सर बोल रहे थे कि सर को दिखा देना, बोला आप जाएंगे जी। कितना टाइम लगेगा आने आने के लिए? जाने आने के लिए आपको 2 घंटा लगेगा। 2 घंटा बहुत दूर है क्या? 1 घंटा जाने के लिए, 1 घंटा आने के लिए। कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर। रास्ता अच्छा है? हाँ रास्ता अच्छा। आपको भी गए हैं या नहीं गए? मैं कभी नहीं गया ना, पहली बार आया हूँ। यहाँ से अभी सीधा जाओ, 200 मीटर जाने के बाद आपको 3 रास्ता मिलेगा। हाँ बीच में से रास्ते से जाओ, बीच वाले से। हाँ ओके, लेफ्ट राइट किधर भी मत, सीधा बीच में से जाओ। जानवर भी बोलते हैं? नो ऐसा नहीं, ऐसा कुछ डेंजर तो नहीं है ज़्यादा, जा सकता है ना इंसान। ऐसा ऐसा वाला पत्थर रहेगा ना। हाँ बहुत बड़ा, एक ट्रक में लेके स्टोर किया है ऐसा वाला पत्थर। वहाँ पर आपको 3 रास्ता मिलेगा, वहाँ से बीच में से रास्ते से जाओ, यही रास्ता बीच में से। लेफ्ट गया ना तो सीधा अनमोड़ पहुँचेगा। कहाँ पे? अनमोड़ा अल्मोड़ा। हाँ वहाँ पे क्या है? वहाँ पे कुछ नहीं, कुछ लेकिन नहीं। वो रास्ता गलत है, बीच में से जाओ। ओके सर। नहीं 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 काट दो ना। काटते काटते कितना है? 50 रुपये भैया। हाँ देखो दे दो ना। अरे बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है, मैं सुबह कुछ खाया नहीं, अभी केला खा लिया, बोला खा लेता कुछ। नहीं ये तो पहला काटा था, वो थोड़ा ये हुआ। अरे कोई दिक्कत नहीं, अच्छा वाला देने का किसी को। बरोबर है, बंदर है यहाँ पे। हाँ सर स्ट्रॉ है का दे दो। स्ट्रॉ है, वॉटरफॉल जाता है आप? वॉटरफॉल आपने टिकट कहाँ निकाला बोला? उधर चेक पोस्ट पे। वहाँ मैंने रुका था, वहाँ मैंने बात किया सर से, उनको पूछा मैंने इस बारे में। नहीं तो इधर निकालते हैं वो, अभी आए हो, वो फॉरेस्टर है इधर का, वाइल्ड लाइफ का।
यहाँ से ना। ओके ओके चलो ठीक है, घंटा लगेगा जाने के लिए, आपको थोड़ा कम लगेगा। ठीक है जल्दी ले आऊंगा मैं तो आने के लिए घंटा। ओके ओके अभी आएगा, ये लोग आएगा, ये दोनों। ठीक ठीक तो चलो निकलते हैं वाटरफॉल के लिए। सर मुझे बताया कि ऑलमोस्ट 1 आवर लगता है जाने के लिए। ये रास्ता है जस्ट मंदिर के बाजू में एक जाता है, छोटा रास्ता है, चलते हैं। तो सर मुझे बता रहे थे कि टेंपल जो है वो लगभग 1300 साल पुराना है, काफ़ी ओल्ड है, और इसके जैसा एक ही टेंपल बचा हुआ है फिलहाल अभी के टाइम पे। वाटरफॉल मंदिर के जस्ट लेफ्ट साइड में छोटा रास्ता जाता है पगडंडी, वहाँ से जाना होता है। तो चलते हैं पगडंडी को फॉलो करते हुए। ऑलमोस्ट 1 आवर लगेगा ऐसा मुझे बताया है सर ने, जाने के लिए घंटा, आने के लिए 1 घंटा। तो आए तो चलना तो बनता है बस। मैं अब थोड़ा टाइमिंग, एक्चुअली जब मैं मॉर्निंग में निकला, मेरा प्लान था कि मैं मॉर्निंग में निकलूँ 5 बजे, लेकिन मैं लेट हो गया, मैं कुछ 6 बजे निकला। उस टाइम अंधेरा ही था, लेकिन मैं अपने टाइम के हिसाब से 1 घंटा लेट हुए थे। कोई नहीं चलते हैं। कुछ अभी 9:30 बज रहे हैं, 9:45 बजने वाले हैं, तो जल्दी से आते हैं। थोड़ा टाइमिंग का भी इशू है, फटाफट से अपने को जाके आना भी है। तो करते हैं एक्सप्लोर, अभी वाटरफॉल देखते हैं, मंदिर तो बनने देख लिए, चलते हैं। ओवरऑल काफ़ी अच्छी प्लेस है, काफ़ी सुंदर प्लेस है। यहाँ पर जंगली जानवर भी है सब मुझे बताया सर ने, लेकिन इतना कुछ डरने वाली बात नहीं है, लोग जाते रहते हैं ऐसा उन्होंने बोला, तो टेंशन वाली बात नहीं है, जा सकते हो। आई थिंक मैं पहला बंदा हूँ आज का मॉर्निंग का जो मैं जा रहा हूँ। पूरे मकड़ियों के जाल लग गया यार, तो पूरा कच्चा रास्ता है। आई होप मेरी जर्नी अच्छी रहे। मंदिर के बारे में मुझे यहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि मंदिर ऑलमोस्ट 1300 साल पुराना है, और ऐसा मंदिर सिर्फ एक ही बचा हुआ है, यह है तांबड़ी सुरला शिव टेंपल। मंदिर ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, लेकिन उतना ही खूबसूरत है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो ये जो जगह है, ओवरऑल जो प्लेस है, प्रकृति के गोद में बैठा हुआ मंदिर ऐसा समझ लो। चारों ओर जंगल है, इस साइड में 2 पहाड़ियाँ हैं, फिर पूरा जंगल है। यहाँ पर बंदर मंकीस मैंने देखा है अब तक जो मेरे को दिखा है जानवर। इसके अलावा यहाँ पर और भी कई सारे जानवर है ऐसा मुझे बताया है यहाँ के लोगों ने। तो दिखते बस सब मिले, ऐसा कोई जानवर ना मिले जो थोड़ा डेंजरस हो, लाइक शेर भालू ऐसा मत मिलने उनको। तो अभी अपन एक्सप्लोर करने वाले हैं वाटरफॉल, देखते हैं कितना खूबसूरत व्यू वाटरफॉल का आता है। 100 रुपया मैंने दिया हुआ है वाटरफॉल जाने के लिए, जो कि यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर को देना पड़ता है, वो आपको टिकट देते हैं। मैंने टिकट उधर ही निकाल लिया था चेक पोस्ट पे। अगर आप लोग टिकट वहाँ नहीं निकालते हो चेक पोस्ट पे, तो आप यहाँ पर भी आके टिकट निकाल सकते हो। यहाँ पर भी एक रहता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिसर, उसके पास भी टिकट अवेलेबल होती है। तो सफ़र बहुत लंबा था आज का, लगभग 75 किलोमीटर मैंने अपने 2-व्हीलर से तय किया। बात लंबे सफ़र की नहीं है, जितना लंबा सफ़र था उतना ही खूबसूरत भी था। इतना सुंदर जो रोड था ना, माइंड ब्लोइंग रोड था। इतनी सारी ओस थी, इतनी प्यारी प्यारी जगह से मैं निकला, और इतने सुंदर से गांव थे। ओवरऑल बहुत खूबसूरत प्लेस, बहुत सुंदर प्लेस। चलो यार, मेरा रहेगा कि मैं कम से कम आधे घंटे में पहुंच जाऊँ वाटरफॉल तक,
सर ने बोला है 1 घंटा लगता है, लेकिन मैं आधे घंटे में ट्राई करूँगा क्योंकि मुझे घर भी जाना है और थोड़ा मेरा टाइमिंग का भी इशू है। तो चलो कुछ इस तरह का रास्ता है, कच्चा रास्ता है तांबड़ी सुरला वाटरफॉल जाने का। टेंपल उधर नीचे में है, उधर नीचे में फ्री रास्ता जाता है वाटरफॉल के लिए। मैंने एक कोकोनट वाटर पी लिया है एनर्जी के लिए। रास्ता तो अच्छा है, सुंदर है। मुझे ना यार ऐसी प्लेसेस बहुत पसंद है। ये चीटियों का घर है, चीटियाँ यहाँ पर रहते होंगे, अंदर तक रहता है वो काफ़ी। अकेला आया हूँ ना, थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन ठीक है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है बोले, मैंने पूछा तो था सर को, लेकिन अब मेरे को डर लग रहा है कि जगह ही वैसी है, बस सारे जाले निकालते हुए जा रहा हूँ मैं। आई होप सब कुछ सही रहे। ये रास्ता जितना खूबसूरत है, जितना नेचुरल है, उतना थोड़ा सा डरावना भी है। अच्छा बोर्ड लगा हुआ है, गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बोर्ड लगा है। क्या करे क्या ना करे ये लिखा हुआ है। अच्छी बात है। इंश्योर अ वैलिड एंट्री परमिट फ्रॉम द अथॉरिटीज टिकट काउंटर, रिटर्न द टिकट यू टिकट टिल यू कंप्लीट योर ट्रिप। ओके ठीक है, देख लेता हूँ क्या क्या है। ड्रेस प्रॉपर, ड्रेस प्रॉपर, फुटवेयर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको सबसे पहले तो टिकट खरीदना है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। वो टिकट क्यों इम्पोर्टेंट है मैं बताता हूँ आपको। जब आप टिकट लेते हो ना, तो जो अपन जहाँ से टिकट लेते हैं वो जो रहता है ऑफिसर, वो ऑफिसर आपका नाम नंबर और जगह लिखता है। वो क्यों इम्पोर्टेंट है, अगर आप कहीं पर अगर जंगल में जाते हो सकता है कुछ जंगली जानवर, सपोज़ कुछ ऐसा हादसा हो जाता है आपके साथ, तो वो आपके घर वालों को कांटेक्ट कर सके, इसीलिए ये ज़रूरी होता है। ये शायद नदी है, जितना ही यार बहुत हॉन्टेड रास्ता है यार, तो डर भी लग रहा है, लेकिन ठीक है, ये नदी का रास्ता है, यहाँ से नदी बहती है, लेकिन अभी रस्सी अभी नदी नहीं है। आई होप मेरे को वाटरफॉल देखने मिल जाए, वाटरफॉल। ओ भाई क्या है, शायद मुझे आवाज़ आ रही है वाटरफॉल की, लग तो रहा है, देखते हैं। ऐसी जगहों पर आओ तो सबसे पहले तो अकेले मत आओ, एटलीस्ट दो लोग साथ में आओ, और प्रॉपर शूज़ पहन के आओ। अगर आपके पास शूज़ नहीं है तो मत आओ, शूज़ रिक्वायरमेंट है आप, क्योंकि जगह ऐसी है आप बिना शूज़ के चढ़ नहीं पाओगे। क्या रास्ता है बे, गजब। झाड़ देखो, कितना बड़ा ट्री है भाई। मुझे आवाज़ तो आ रहा है वाटरफॉल का। उन्होंने मुझे बोला था कि जाने के लिए 1 घंटा, आने के लिए 1 घंटा। मुझे लग रहा है शायद मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। कुछ 10 से 12 मिनट हुआ है मैं निकला हूँ। सारे जालों को काटते जा रहा हूँ मैं, मकड़िया बहुत गाली मारेंगे मेरे। मुझे आवाज़ तो आ रही थी वाटरफॉल की, लेकिन अभी बंद हो गई। क्यों
चलो। ऐसी जगहों पर थोड़ा सा सतर्क भी होना जरूरी है, थोड़ा सा सतर्क भी होना जरूरी है। अकेले तो मत ही आओ, मैं थोड़ा ज़्यादा पागल हूँ इसलिए अकेला आ जाता हूँ कहीं पर भी। मेरे मम्मी ने मेरे को मना भी किया है कि बेटा घूम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसी जगहों पे मत जा जो डेंजरस है, ठीक है। लेकिन मैं सुनता नहीं हूँ अपनी मम्मी की, मेरी मम्मी मेरे को बहुत मारेंगी। जो साउंड है ना चिड़ियों का, पक्षियों का, वो क्लियर सुन सकते हो यहाँ पर। बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह है यार ये, नेचर के एकदम बीचों बीच। अलग ही मज़ा है घूमने का। ये मेरे पीछे यहाँ पर एक रिवर फ्लो हो रहा है, नदी बह रही है यहाँ पे, एक वाटरफॉल का रहेगा। और थोड़ी सी हॉरर प्लेस है यार, अकेले मैं तो मुझे सच में डर, मेरे सच में डर लग रहा है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माउंटेन ड्यू डर की माँ की। चलो, जगह तो अच्छा है, रास्ता भी अच्छा है, देखते। वैसे तो मैं डरता नहीं है बोलना ऐसे चीज़ों से, लेकिन अकेले थोड़ा डर तो लगेगा ना। अकेले तो मैं यहाँ पर कितना चिल्ला लूँगा ना, किसी को आवाज भी नहीं आएगी। तुम तो इतना शोर चिल्ला लो, शोर मचा लो, किसी को आवाज आएगा ही नहीं। अरे बाप रे, बहुत डेंजर प्लेस है। इतना बड़ा झाड़ है, टूटा हुआ है, देखो। चलो, रास्तों पर गिरा हुआ कचरा बता रहा है कि आप सही जा रहे हो। चलो, मुझे गर्मी हो गई यार, बड़ी गर्म हो गई, सुबह इतनी ठंडी थी अभी गर्मी हो गई। मैं पहली बार इतना दूर आया हूँ घर से, मैं रहता हूँ अंजुना में, और काफ़ी दूर आ गया मैं फर्स्ट टाइम। लेकिन एक अलग ही और अच्छा एक्सपीरियंस है, ये भी चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। अच्छा, ये नेचर का जो ये है ना फील है ना, बहुत प्यारा है, नेचुरल फील। तो जो मैं बात कर रहा था ना झरने की आवाज़ की, एक्चुअली में वो नदी है, ये जो देखिए ना आपने, आगे जाके थोड़ा वो पत्थर है, वहाँ पर से पानी बह रहा था, तो उसका आवाज़ था। मतलब वाटरफॉल अभी दूर है, इतना पास भी नहीं है, इतना बोल रहा था मैं। बहुत बड़े बड़े पेड़ है यार, व्यूज है, उतना ही सुंदर व्यू, उतना ही खतरनाक जंगल, डर भी लग रहा है। अकेले अकेला बताओ भाई, आलिस बेल कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, हमारे साथ में महादेव है, अभी उनके दर्शन करके आए महादेव के, महादेव है। ऐसी जगहों पर हो सकता है आपको चकवा भी हो जाए, ऐसी बातें मत करें मेरे भाई, डर लगता है देखो। हो सकता है भाई, होने के लिए सब कुछ होता है, ऐसी चीज़ होती है, मैं मानता हूँ कि मेरे साथ एक बार हुआ है, मुझे पता है। लगभग 20 मिनट हो गए चलते हुए, अभी तक तो मुझे कोई ऐसा जानवर दिखा नहीं सिवाय बंदर के, बंदर था बस पीछे में, वो भी उधर ही थे, इधर तो कोई नहीं है। तो यहाँ पर नदी है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिसर थे उन्होंने मुझे बताए थे कि आप आगे जाओगे
आगे में एक ऐसा रास्ता आएगा जहाँ पे तीन रास्ते आएंगे, तीन रास्तों में से आपको जाना है बीच वाले में, बीच वाले में, इधर ना इधर सीधा जाना है। तो वो रास्ता अभी आया नहीं, पता नहीं कब आएगा। तो गोवा सीरीज का ये जो मेरा एपिसोड है, तांबड़ी सुरला शिव टेंपल और वाटरफॉल, अगर आप देख रहे हो चैनल पे, तो और भी मैंने वीडियो डाला हुआ है गोवा सीरीज़ में, जाकर देखो। बहुत ही जितने भी गोवा के टूरिस्ट प्लेसेस हैं, सारे टूरिस्ट प्लेसेस मैंने कवर किए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखो चैनल पर, अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो मेरे को पूछ सकते हो कमेंट करके, तो कमेंट करके पूछ सकते हो कुछ भी पूछना हो तो। कि मैंने एक बेसिक प्लान डाला हुआ है गोवा आइटनरी ट्रिप का, वो भी आप जाके देख सकते हो चैनल पर। तो मैंने बताया हुआ है कि गोवा आने का सबसे अच्छा समय क्या है, गाड़ियाँ कहाँ से रेंट पे लें, कौन सी एक्टिविटीज़ करें गोवा में आके, क्या क्या जगह घूमें, कहाँ घूमें, और जो गोवा में स्कैम होते हैं स्कूटी टू व्हीलर फोर व्हीलर और जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, वो तो सबसे बेकार मेरे को लगता है यहाँ का। ऐसा है ना, गोवा में सब अच्छे हैं सिवाय एक छोड़ के। आप अपनी ट्रिप पे निकलते हो सब कुछ अच्छा सोचकर, लेकिन उसको बुरा बनाने के लिए यहाँ के ट्रैफिक पुलिस वाले, ये जो ट्रैफिक वाले हैं ना यार, सुनते नहीं यार। इसीलिए अगर आप गाड़ी लेते हो टू व्हीलर, सबसे पहले तो जहाँ से गाड़ी ले रहे हो इंश्योर कर लो गाड़ी की कंडीशन, उसका वीडियो बना लो, और सबसे बड़ी बात कभी भी वाइट प्लेट की गाड़ी मत लो, हमेशा ब्लैक पट्टी वाली गाड़ी लो, जो रेंट पे गाड़ी मिलती है वही लो, टूरिस्ट गाड़ी, पीली नहीं, पीली होती है कैब ड्राइवर के लिए, ओके। ब्लैक जो होती है वो होती है टूरिस्ट के लिए जो अपन रेंट पर लेते हैं, तो ब्लैक पट्टी वाली गाड़ी लो, काली पट्टी, काले से लिखा था और काले पे वाइट लिखा रहता ना बोलो तो। और उसका वीडियो बना लो सबसे पहले तो, कि गाड़ी की कंडीशन कुछ डैमेज तो नहीं है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है गाड़ी में, स्टार्ट हो रही है प्रॉपर, और आपका जो रहता है आईडी प्रूफ उसको देना पड़ता है जहाँ से अपने गाड़ी लिया हुआ है उसको। उसके बाद गाड़ी अगर आप निकले हो घूमने के लिए, अगर आपकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो आप अपने इससे कुछ भी मत करो, सबसे पहले कॉल करो आपने जैसे गाड़ी लिया है उनको, बताओ कि आपकी गाड़ी बंद हो गई है क्या करो। वो अगर आप अपने इससे करते हो खुद से, इससे गाड़ी ठीक मतलब रिपेयरिंग कर लेते हो, तो वो लोग बोलेंगे कि आपने बिना पूछे हमारी गाड़ी कैसे खोल ली, ऐसा वैसा बोल सकते हैं, इसलिए आप ये इसका ध्यान रखो। दूसरी बात, रास्ता कहाँ पर है, ये नदी है, अच्छा पानी यार, बहुत साफ पानी है। हाँ, दूसरी बात, गाड़ी यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ट्रैफिक पुलिस वालों का, तो ट्रैफिक पुलिस वाले आपको हर जगह मिल जाएंगे। मैंने एक वीडियो बनाया है, इसमें मैंने बताया है कि ट्रैफिक पुलिस वाले गोवा नॉर्थ गोवा में कहाँ खड़े रहते हैं, जाके देखो, कोई डरने की बात नहीं है, कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है उसके पास में लाइसेंस होना ज़रूरी है, लाइसेंस इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है, जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है उसके सर पर हेलमेट होना ज़रूरी है, हेलमेट लाइसेंस, ये दो चीज़ें इम्पोर्टेंट चीज़ें। और इसके अलावा आपको थोड़े से ट्रैफिक रूल फॉलो करना पड़ेगा, जैसा कि फ़ोन यूज़ नहीं करना है जो ड्राइवर है उसको,
अगर आपके पास कार तो आपने कार रेंट पे लिया है तो आपने सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है। हाँ, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है। शाम को 7 बजे के बाद चलेंगे, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सुबह के 9 बजे लेके शाम के 6-7 बजे तक ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ड्रिंक एंड ड्राइव करना है, लेकिन बता रहा हूँ आपको, शाम को पुलिस नहीं मिलेंगी, शाम को आपको पुलिस थोड़ी कम ही मिलेंगी नाके बराबर, तो दिक्कत नहीं है। और कई सारे पुलिस वाले मुझे तो लगता है कि शायद करप्ट है यार, गोवा के सही नहीं है, अच्छी बात नहीं है यार। तो उस लोग घूमने के लिए आते हैं बाहर से, तो तुम लोग उनसे मनमानी जुर्माना ठोक देते हो, और ये लोग ना कम से कम स्टार्टिंग ही करते हैं 10,000 रुपये। इनका जो है ना फाइन स्टार्टिंग वो है 10,000 रुपीज़ से स्टार्टिंग होता है इनका, तो कभी फंसो मत इस चक्कर में। प्रॉपर हेलमेट पहनो, लाइसेंस रखो, ट्रैफिक रूल का फॉलो करो, बस कुछ नहीं। ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है, ये तो आपका कटेगा। आप निकलोगे अच्छा करने के लिए अपना ट्रिप गोवा का, आपका ट्रिप की वाट लग जाएगी पूरी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से। और क्या पर जाल लग गया कैमरे में। ओके, अपने को लगभग आधा घंटा हो गया है चलते हुए, और वाटरफॉल का रह गया भाई 1 घंटा बोले थे, 1 घंटा तो शायद अभी तक तो मेरे को पहुंचना चाहिए था। 30 मिनट हो गए जिस स्पीड से चल रहा हूँ मैं, आवाज़ तो आ रही है, आवाज़ तो आ रही है मेरे को वाटरफॉल की, आवाज़ तो आ रही है वाटरफॉल की, शायद पहुंच गए। यहाँ पर ना मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता, बिल्कुल नहीं, मोबाइल नेटवर्क यहाँ पर 0 है, टोटल लॉस्ट। अगर आप कहीं घूम जाते हो तो सबसे पहले तो रास्ता याद रखो, घबराओ मत, पगडंडी बनी है इसको फॉलो करो, पहुँच जाओगे मंजिल तक। आवाज़ तो आ रही है यार वाटरफॉल की, है कहाँ पे, ये क्या है उड़ रहा है, ये हेलीकॉप्टर है क्या? क्या जंगल है बॉस, फटी पड़ी है मेरे को। सच में यार डर रहा था मैं, ठीक है हा? अभी यहाँ पर एक बोर्ड लगा है, उस पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर सांप भी है। अरे भाई पहले डर लग रहा है। आई प्रे वहाँ लिखा हुआ है कि उनको डिस्टर्ब मत करो, दिखता भी है तो शांति से निकल जाओ, चलो अपन शांति निकल जाते, ऐसे है तो नहीं, लेकिन मेरा मुझे इन सबका पाला नहीं पड़ना है भाई, ये सांप मत देखो तो अच्छा है, मुझे अपने रास्ते निकलने दो शांति से। चलो लगता है पहुँचने वाले हैं अपन, क्योंकि आधे से ज़्यादा रास्ता अपने तय कर दिया है। गर्म हो रहा है अभी, बड़ी गर्मी हो रही है, आवाज़ तो आ रहा वाटरफॉल का। चलो लगता है पहुंच गए, मेरा पुत्र। हाय हाय हाय, क्या साउंड है ना वाटरफॉल का, आया तो वाटरफॉल नहीं है एक्चुअली, वहाँ बाजू में नदी बह रही है, दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो ये रिवर का पानी है, उसका ही आवाज़ है, देखो रास्ता ऐसा है बस,
इतना डेंजर रास्ता है, लेकिन उतना ही एडवेंचर भरा है। देखो आज मैं खाई यहाँ रास्ता, कीड़े मकोड़े, मकड़िया के जाले, सांप, सब कुछ है। देखो ये है थोड़ा सा हॉन्टेड है यार, थोड़ा सा नहीं थोड़ा सा हॉन्टेड, ज़्यादा ही हॉन्टेड है। ऐसा रास्ता है भाई, ये डर लग रहा है। अरे पापा वाटरफॉल कहाँ पर है, जल्दी आ जा, मेरी हालत डाउन हो गई, अभी थक गया मैं। आवाज़ तो आ रहा है, शायद ये वाटरफॉल हो या वही पानी बह रहा है। मेरे ठीक बाजू में नदी है इस साइड, यह झाड़ इसलिए दिख रहे नहीं, नदी है। देखो पानी बह रहा है, बड़े बड़े पत्थर है, और ये बहुत ही खतरनाक सा ट्रैक है, सांपों के बिल, मकड़ियों के जाले। जब मेरी मम्मी देखेंगे ना ब्लॉग, मेरी मम्मी मेरे को सही में ना मारने वाली है। मेरी माँ बोलेंगी देखो मना किया जाने के लिए, फिर याद रहता तू अकेले एक बार भी। मेरी मॉम बहुत प्यारी है यार, ऐसी मैं सबको दे भगवान, बहुत स्मार्ट है, टैलेंटेड है, सबकी होती है अच्छी, मेरी थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। बड़े बड़े पत्थर है, पानी बह रहा है, और मेरे बॉडी का जो लेवल है ना, एनर्जी लेवल उड़ रहा है भाई, अब हार मान लिया मैंने भी। इतना चलना पड़ रहा है, चलने में खड़े ही अब से कैसे आएंगे। चलो भी यार चल लेते हैं, इतना दूर आने के बाद भी अगर यहाँ पर नहीं आए तो फिर मतलब क्या है। वैसे भी मैं अपने इस 6 मंथ इन गोवा सीरीज़ में ट्राई करूँगा कि मैं सारी जगह सारी प्लेसेस कवर कर लूँ। पानी की आवाज़, बाजू में नदी, पत्थर की वजह से पानी भर रहा है आज यार। ओए होए होए दिख रहा है क्या, मैं आया था यहाँ से और जा रहा हूँ इधर। चलो सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, आगे एक बोर्ड लगा हुआ है, देखते क्या लिखा है। लिखा हुआ है भैया जी पानी में मत जाओ, पानी में कूदो मत। चलो लिख लेते आए तो फिर। हाँ बहुत ही साफ सुथरा पानी है और इतना ही सुंदर है। चलो चलते आगे। पता नहीं किस महान व्यक्ति ने इस वाटरफॉल की खोज किया था। बहुत ही डेंजरस वाटरफॉल रास्ता है, लेकिन अब बोला निकल गया तो देख के जाएंगे, ऐसे वापस तो आऊँगा नहीं।
देख के जाऊंगा वापस। चलो पूरा पहाड़ है यार ये तो, चढ़ना पड़ेगा ऊपर। अपना टी शर्ट निकाल लिया है। मम्मी ऐसे होती है लाइफ एक ट्रैवलर ट्रैवलर बॉयज की, ट्रैवलर बॉय की। देखो आसान नहीं है, तुम लोग घर बैठे बैठे वीडियो देख लेते हो। हाँ उनको लगता है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। देखो इतना डेंजर रास्ता है, देखो चढ़ना पड़ा है बकायदा, कुछ 70 के आसपास डिग्री है। थक गया मैं तो। थोड़ा सा बैठ जाता हूँ, बहुत थक गया यार, गर्म भी हो गया इंसान। बाप रे टिकट पूरा गीला हो गया। हे भगवान कितना चलना पड़ेगा। और एक गलती कितना नीचे आओगे खाई में, ये देखो। चलिए चलो ध्यान पूर्वक, थक गया मैं, मेरी सांस फूल गई। इतने बड़े जंगल में सिर्फ अकेला मैं हूँ और पशु पक्षी बस, कोई इंसान नहीं है दूर दूर तक। अब तो मेरी गांठ फट रही है, अब देखो पूरा यहाँ पर पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस है, शांति एकदम। धूप भी कम आ रही है, धूप भी नहीं है। आवाज तो आ रही है पानी की, लेकिन है कहाँ पे वाटरफॉल, लगता है पहुंच गए शायद। नीचे पूरा खाई है, बस नीचे देखो पूरा खाई है और फिर नदी बह रही है। अरे भाई चलो, इसी बहाने पेट का थोड़ा सा चर्बी खत्म हो जाएगा, थोड़ा चर्बी कम हो जाएगा। हमेशा सोचता रहता हूँ कि जिम जाऊंगा, घर पे थोड़ा सा एक्सरसाइज करूँगा पेट की चर्बी कम करने के लिए, लेकिन पेट का चर्बी कम नहीं होता, इसलिए कुछ ट्रैक पे आना पड़ता है। ऐसे ट्रैक पे आता हूँ जहाँ पूरा महीना भर का निकल जाता है,
दुख रहा है पेट में, बस आवाज तो आ रहा है झरने का, शायद पहुंच गए। अरे पहुंच गए मेरा पुत्र पहुंच गए, बस पहुंच गए भाई, क्या सुंदर व्यू है। देखो ये देखो क्या व्यू है बॉस, वाओ अति सुंदर यार। यहाँ पर कुछ वार्निंग दिया हुआ है, ये मत करो ठीक है, हाँ और करेंगे भी नहीं। हाय 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 हाय, क्या जगह है बॉस, माइंड ब्लोइंग। सही जाऊंगा नहीं मैं, सही तक है। ये है वाटरफॉल ठीक है, बहुत सुंदर है यार, मजा आ गया देख के। ऊपर पहाड़ है, पहाड़ से पूरा झरना बहते हुए आ रहा है। अभी सीजन मानसून का नहीं है, लेकिन अगर वैसे शायद मानसून में बंद रहता हूँ मैं, अगर आप मानसून में आते हो तो देखो कितना अच्छा लगता होगा देखने में, पूरा पानी बहता होगा वहाँ से यार, क्या लगता होगा ना व्यू, जोरदार मज़ा आ गया बस, बहुत जोरदार है। सुंदर है यार, बड़ा आराम किया था बहुत। यहाँ सुकून है बहुत, झरने की आवाज, सुनहरी धूप और ठंडी हवा, और क्या चाहिए यार। अब मजा आ गया, इतना खतरनाक और डेंजर ट्रैक था, उतना ही खूबसूरत व्यू भी है। क्या सुंदर जगह है यार, जाने का मन नहीं कर रहा है, सोचो थोड़ा सो जाओ आधा घंटा, लेकिन नहीं जाना पड़ेगा। चलो 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 चलो, हमने पहन लिया अपने स्वागत किस तरह। तो वाटरफॉल के साइड में एक रास्ता जा रहा है, जाके देखते हैं कहीं जाता है, तो चलते हैं देखते हैं क्या है आगे, फिर निकलते हैं घर। रास्ता शायद नीचे जाता है वाटरफॉल के स्टोन तरफ, हाँ नीचे जाता है, तो जाया जाए कि नहीं जाएगा कह सकते हैं, चलते हैं देख लेते हैं आए तो, थोड़ा सा डेंजरस है नहीं, ठीक है कह सकते हैं। ओह माय गॉड, अरे बाप रे, ओके ठीक है, ओके ओके, तो आप नीचे भी आ सकते हो वाटरफॉल के, लेकिन रास्ता इतना खास नहीं है, तो मैं आता हूँ।
इधर पेड़ है, ये है चट्टाने, ये है वाटरफॉल। हाय हाय हाय, पूरा सूरज चमक रहा है, सूरज ऊपर आए। ये देखो ये है पूरा पहाड़, अपन वहाँ बैठे थे, केला लगा नहीं है, केला खा रहे थे। इधर चढ़ना सेफ नहीं है तो वहीं जाते, यहाँ चले जाते। चलो कितना बड़ा बड़ा स्टोन है, देखो कितना बड़ा स्टोन है। यहाँ से नदी बहती है, फिर वो आगे जाके अपन को मिलती है। ये पूरा पहाड़ है यार, इसके पीछे में है टेंपल और ये है वाटरफॉल। धूप है इसलिए दिख नहीं रहा है। हाँ ये देख लो, खूबसूरत है यार, बहुत सुंदर है। और आगे जाते हो। ओह भाई क्या बात है, सूर्य देवता आज सामने आ गए एकदम, हमारे दर्शक देख नहीं पा रहे हैं। वाटरफॉल प्रॉपर, हाँ अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, बढ़िया है, सुंदर है। तो ये गोवा का एक हिडन जेम बोल सकते हैं अपन, एक बहुत जहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि ट्रैकिंग इतना डेंजरस है, लोग आ नहीं पाते। हाय हाय हाय, इतना सुकून। चलो निकला जाए, मुझे भी जाना है, मुझे भी थोड़ा काम है घर पे जाके। तो ये था आज का वीडियो, मज़ा आ गया वीडियो में बस। चलो चलते हैं। यहाँ पर एक सिटिंग एरिया भी है, अच्छी बात है। जो व्यू है ना बहुत सुंदर है यार, लेकिन उतना चलना पड़ा मेरे को सच में यार। मैं कम से कम 40 मिनट चला हूँ, वो भी हार्ड ट्रैकिंग है, बहुत इजी नहीं है। मुझे दिखने में पड़ता है ना व्यू खूबसूरत है। तो ये था तामड़ी सुरला वाटरफॉल वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, और आप अपना गोवा ट्रिप का प्लान बनाओ तो यहाँ पर ज़रूर आओ। अगर आपको ट्रैकिंग पसंद है तो बताओ, खास ट्रैकिंग पसंद नहीं है तो मत आओ, लेकिन पसंद है तो आओ, पक्का आओ, क्योंकि ये व्यू बहुत खूबसूरत है, मज़ा आ गया। थोड़ा बैठो, 5 मिनट पर निकलते हैं अपन, थोड़ा व्यू देखो। हाय मेरी लाइफ, इतना घूमना पड़ता है ना, आसान थोड़ी है घूमना, कम होना उसके लिए। नीचे आ गए, अभी ये जो टिकट है मुझे दिखाना है, वहाँ पे आउट का साइन मारना है कि मैं वापस आ गया। कहाँ गया सर जी? थैंक यू। आउट नहीं मारना है क्या? हाँ, लो ना मैं जिंदा आ गया वापस। ये आउट का साइन मारना पड़ता है इधर आके, ये जो अपन टिकट लिए 100 रुपये का, ताकि इनको इंश्योर हो जाए कि आप सही सलामत वापस आ गए, है ना। ये वहाँ से आता गया। ओके चलो, थैंक यू सर जी, पिला दो एक नारियल पानी। अरे बहुत लंबा ट्रैक है यार, ट्रैक बहुत लंबा है, थक गया मैं तो बहुत। जल्दी जाके आया,
अच्छा मतलब मैं जल्दी आ गया। हाँ नहीं तो लोग जल्दी कोई नहीं आता है वापस। अरे बाप रे। हाँ अब तो अच्छा जाके आया। अच्छा है वाटरफॉल। अच्छा है ना, लेकिन बारिश में देखने के लिए बहुत मजा आता है। हाँ थोड़ा पानी कम चाहिए ना। हाँ हाँ पानी वाला, पानी वाला बारिश में देखने को बहुत मजा आता है। हाँ लेकिन उतना ट्रैक भी रहता होगा ना, खतरनाक रहता होगा, ऐसे भी बहुत लंबा है। फोटो खींच के